क्यों नहीं? अभी उनके पीछे जो है सो उन्हीं के कर्मचारी लग गया तो दूसरे पीछे वो भी लग गए। अररिया के जोकीहाट में बेतरतीब ट्रैफिक और नर्सिंग होम संचालकों की मनमानी से लोग परेशान हैं। जिला प्रशासन को लगातार शिकायत मिलने पर डीएम ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे इन मेडिकल सेंटरों पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। जोकीहाट रेफरल अस्पताल में प्रभारी को इन नर्सिंग होम की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नोटिस के मुताबिक कुछ नर्सिंग होम संचालक कागजात जमा कर रहे हैं तो कुछ लोग आनाकानी कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। अररिया जिला प्रशासन की सख्ती के बाद जांच के दौरान फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टरों के नामों से पर्दा उठने लगा है। इस मामले में एक नर्सिंग होम के संस्थापक का भी नाम सामने आया है। प्रशासन को MBBS की डिग्री फर्जी डिग्री होने का शक है। डॉक्टर की डिग्री पर सवाल उठने पर बवाल मच गया है। नर्सिंग होम संचालक ने जांच अधिकारी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डिग्री फर्जी हो या असली, ये जनता का मुद्दा फिलहाल तो नहीं है। आम जन इन नर्सिंग होम संचालकों पर हर हाल में कार्रवाई चाहते हैं। पे लोगों को पत्र लिख करके उनसे अपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा था, जिसमें से कुछ लोगों ने जमा भी किया है। उसकी सूचना हम अपने उच्च पदाधिकारी को दे चुके हैं। वो जून या जुलाई महीने में हमने दिया था। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया है तो उनके बारे में तो हम जान रहे हैं। जिन्होंने नहीं दिया उनसे दोबारा भी मांगा गया था पर वो नहीं दिए। अच्छा, कितने दुकानदार भाई नर्सिंग होम वाले अब तक दिए हैं, कितने ने दिए अब तक कागजात? ये कोई तीन चार लोगों ने नहीं दिया। तीन चार लोगों ने? डॉक्टर RN भारती जो पेपर दिए हैं कागजात, उनमें कुछ त्रुटि आई है, तो क्या कहेंगे आप? ये तो जांच का विषय है, जांच चल रही है और उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो MCI से है और MCI से उसका उत्तर का प्रतीक्षा किया जा रहा है। तो उनका वो जांच करेंगे, देखेंगे काउंसिल से पूछेंगे, ऐसा का काम है कि मैंने ये साले साल बोलते हैं, साले साल कहते हैं, इसका प्रक्रिया क्यों सुनाई? हम तो कहते हैं हम ठीक है, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जो भी हमारा कागजात है यूनिवर्सिटी से हो, कॉलेज से हो, चाहे काउंसिल से हो, मेरा सर्टिफिकेट बिल्कुल ठीक था। अगर किसी तरह की बात मैंने कभी का जब मान लीजिए किसी को कोई मैंने ये होता है राजनीतिक संबंधित होता है या झूठ फूट का मामला होता है तो उछालना चालू हो जाता है। इससे पहले जो है कई बार मान लीजिए कि ऐसा देखा पड़ा, दिखाई पड़ा हमको कि कितने बार सिविल सर्जन साहब को भी सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, कोर्ट से हाफ डिफिट करके दिए, कोर्ट से बजाते कोर्स से आपके टिकट करके दिए, ये आपको भी दिखाए दिए। आगे बार जो कि सिविल सर्जन साहब को कोर्ट से हम हाफ टिकट करके दिए, जब कोर्ट से हाफ टिकट करके दिए हैं तो हम कानून को मानते हैं, कानून के अनुसार चल रहे हैं। अब अगर अफवाह उड़ाते हैं तो उनका अफवाह उड़ाने की मर्जी है, हम तो कानून पर निर्भर हैं, बस हो गया। कहीं से कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं आया है अभी तक, कहीं से कोई आरोप नहीं आया, यहाँ तक कि पूर्णिया सिविल सर्जन से भी करवाया गया जो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन झूठ मूठ का हम एक दस्तावेज को हम 1000 बार जांचेंगे वही चीज आएगा, एक दिन जांचेंगे वही चीज आएगा। टॉर्चर नहीं हो रहा है तो हमारे पास तो ऐसा ऐसा कुछ सबूत है उनका जो कि हम समय पर निकालेंगे, अभी नहीं, आप ही सभी को सामने में मीडिया कॉन्फ्रेंस करके समय पर हम दे देंगे उनका। फंसने का चक्कर जो है फंस चुके हैं एक महिला के साथ पैसा लेने देने में, तो दूसरा डॉक्टर को फंसाने के लिए चल दिए हैं, दूसरा अपना अपना पीछे नहीं देखते हैं कि अगर बस डाइवर्ट, समाज को डाइवर्ट करने के लिए, सरकार को डाइवर्ट करने के लिए, बस यही चीज है। हाँ, ये भी तो एक क्वेश्चन है कि आखिर पिछले तीन सालों से पहले आप अपने देखें जो आपके ऊपर, आप जो कर्मचारी, जो छोटा कर्मचारी, छोटा स्टाफ आपके यहाँ काम करता है वो आपके ऊपर गलत आरोप लगा, आप कौन सही आदमी है? आप दूसरे को नोचने के लिए चलते हैं तब ना आपके ऊपर आरोप लगता है। आपने इतना दिन डॉक्टर RN भारती जो कि हाथ में है, क्यों नहीं अभी तक हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की है?
काहे चुपचाप बैठते हैं? इसका मतलब आप हमसे पैसा लेते हैं, पैसा लेते हैं, चाहे इधर से ले चाहे उधर से ले, हम दे या नहीं दे, या मेरे पास सबूत है या नहीं है, ये तक क्यों नहीं? अभी उनके पीछे जो है सो उन्हीं के कर्मचारी लग गया, तो दूसरे पीछे वो भी लग गया, किधरों से आ जाए मार। तब वही डॉक्टर जावेद बाबू यही टेबल पर सालों साल काम किए, वो भी कुछ सरकारी काम कर